पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय गंजगुलट्टी पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने तथा संचालन शकीर सरवर हाशमी ने किया। जिले से कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, गांधी जी की शहादत पर अपने अपने विचार रखे। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि गांधी जी ने राज्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा से एकता और भाईचारे का संदेश दिया और मुल्क की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों की जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तथा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने सिद्धांत पर आडम रहते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया और सदा के लिए अमर हो गए। सभा में मुख्य रूप से मास्टर जगदीश शर्मा, सलीम अख्तर, श्याम बाबू वाल्मीकि श्याम तरन, एडवोकेट रईसल कमाल, अल्ताफ मसूदी, रमेश अरोड़ा, आफताब चौधरी, नवदीप मिश्रा, गंगाराम शर्मा, राहत खां, अनमोल गुप्ता, जिलाध्यक्ष किरण तोमर, बसंत सिंह, सुधीर पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद और सोचने का दिन है कि जिस महात्मा गांधी ने, जिस राष्ट्रपिता ने देश की आज़ादी के लिए कितनी यातनाएं सही, अंग्रेजों द्वारा कितनी यातनाएं उन्हें दी गईं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान का प्रकरण हो या हिंदुस्तान में उनके द्वारा आज़ादी का को लेकर किए गए आंदोलनों को लेकर अंग्रेजों ने जितनी यातनाएं दी उनको, वो सोच करके किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज उनकी शहादत का दिन है। हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि देश के प्रति जिस जिम्मेदारी से उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, हम उनकी इस बलिदान को किसी कीमत पर जो है बर्बाद नहीं होने देंगे, उसे अक्षुण बनाए रखेंगे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं और गांधी जी द्वारा सत्य अहिंसा का जो स्लोगन दिया गया था, हम उनके उस मार्ग पर चलते हुए देश के प्रति अपने योगदान को समझते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।